नमस्कार, मैं सोमेश ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि बस्तर दशहरा का शुरुआत हो चुका है और दो तीन रस्म हो चुके हैं और आज है काचन गादी रस्म और हम लोग हैं काचन गादी मंदिर में। तो यहाँ जो काचन गादी में जो काटा झूला होता है, वो झूला कहाँ से लेकर आते हैं और यहाँ पर लेकर आ रहे हैं वो हम दिखाएंगे कि जो यहाँ पर काटा झूला, जो कुंवारी कन्या यहाँ पर काटा झूला झूलते हैं, तो ये झूला कहाँ से लेकर आया जाता है आपको दिखाते हैं। दास मानिकपुरी काचन मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ और मेरे कार्यकर्ता लोग हैं। आज काचन गादी दशहरा पर्व का काचन गादी पर्व महत्वपूर्ण रस्म निभाया जाएगा। अभी लामनी जंगल से बेल काटा बना के लाया गया है आज, और अभी बांधा जाएगा उसमें और फिर लड़की देवी बिठा के शाम को उसके झूले पे झुलाया जाएगा। फिर राजा महाराजा आएंगे राजमहल से, देव वेव छत्तर वत्तर पारदेव वगैरह के साथ, और फिर यहाँ पे प्रसाद मांगेंगे दशहरा के, दशहरा मनाने का अनुमति अनुमति। दोस्तों, आप लोगों से ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं दशहरा पर्व की, वो छोटे छोटे चीज़ों को लेकर हम लोग वीडियो लेकर आएंगे जो कम ही लोगों को मालूम होगा। और ये छोटी छोटी जो रस्में हैं, ये पूरे बस्तर दशहरा को बहुत ही विशाल बनाता है, बहुत ही विख्यात बनाता है। तो दोस्तों, ये था काचन गादी से पहले का जो ये रस्म है, और शाम को और एक वीडियो आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, फिर मिलेंगे।